हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन ईवीएस आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4 क्लोथ्स वी वियर। इट मीन्स क्लोथ्स यानी कपड़े, वी वियर जो क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं अलग अलग ओकेजन्स पे या अलग अलग पर्पज से। ओके, तो इसमें हमें क्लोथ्स के बारे में जानना है। वी ऑल वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। सबसे पहले तो सबको पता है कि हम लोग क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। ओके, सबसे पहले बात और बड़ी रीज़न जो है वो है हम अपने बॉडी को उससे कवर करते हैं, उससे ढकते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड डस्ट। को क्लोथ्स और क्या करते हैं तो हमें गर्मी से, ठंड से, बरसात से, हवा से या डस्ट से भी बचाते हैं। दे मेक अस लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, यहाँ तक कि वो हमें स्मार्ट और ब्यूटीफुल भी दिखाते हैं या बनाते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स, प्लेस वी लिव एंड वी वर्क वी डू। हम लोग अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? पहला तो सीजन्स, मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, नेक्स्ट जगह के हिसाब से जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, और क्या तो जो काम हम लोग करते हैं उस काम के हिसाब से भी ड्रेसेस अलग अलग होते हैं सबके। यहाँ पे कुछ ड्रेसेस हैं जो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे शर्ट, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, कोट, साड़ी, सलवार कुर्ता, फ्रॉक, स्कर्ट, सॉक्स, ग्लव्स, कैप एंड रेनकोट। ओके, इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज लीव्स एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स टू कवर द बॉडीज। बहुत पुराने टाइम में जब क्लोथ्स नहीं होते थे, जिन मटेरियल का हम लोग क्लोथ्स बनाते वो नहीं होते थे, उस वक्त लोग पत्तों से या फिर किसी भी जानवर के स्किन से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे या ढकते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्लोथ्स इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में, ठंड के सीजन में हम लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? वी वियर उलेन क्लोथ्स इन विंटर्स। हम लोग ठंड में उलेन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, वैसे क्लोथ्स जो ऊन के बने होते हैं। दे कीप आवर बॉडी वार्म, वो क्या करते हैं हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस पीपल वियर क्लोथ्स मेड ऑफ फर, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है उस जगह पर लोग एनिमल्स के फर से बना हुआ यानी एनिमल्स के रोआ से बना हुआ क्लोथ्स यूज़ करते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो वियर क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क इन विंटर, कभी कभी हम लोग सिल्क का भी बना हुआ क्लोथ्स विंटर में यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो हम लोग विंटर में यूज़ करते हैं, स्वेटर, मफलर, उलेन कैप, कोट, ग्लव्स, सॉल, उलेन सॉक्स। ओके, वी गेट उल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप, हम लोग फ्लीस का मतलब होता है भेड़ पर से जब हम लोग ऊन को उतार देते हैं, है ना, ऊन को जब कतर देते हैं, ठीक है, तो उससे हम सीप से हम लोगों को ऊन मिलता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, सिल्क वॉर्म एक वॉर्म होता है। ओके, वी नॉट ओनली वियर उलेन क्लोथ्स बट ऑल्सो यूज ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स इन विंटर टू कीप आवर सेल्फ वार्म। हम लोग ठंड के मौसम में सिर्फ स्वेटर वगैरह नहीं पहनते हैं, उलेन क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, हम लोग अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए रात के टाइम में या दिन में भी रजाई या फिर कंबल का यूज़ करते हैं। क्लोथ्स इन समर सीजन, नेक्स्ट है क्लोथ्स इन समर सीजन। वी वियर कॉटन एंड लाइनन क्लोथ्स इन समर, हम लोग गर्मी में कॉटन या फिर लाइनन का क्लोथ्स यूज़ करते हैं। दे कीप आवर बॉडी कूल एंड एब्जॉर्ब स्वीट, वो क्या करते हैं हमारे बॉडी को ठंडा रखते हैं और पसीना को सोख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग गर्मी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्लोथ्स इन रेनी सीजन, ठंड बरसात में हम लोग कौन से क्लोथ्स यूज़ करते हैं? इन रेनी सीजन वी वियर रेनकोट्स एंड गम बूट्स डैट कीप अस ड्राई, वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेलाज। रेनी सीजन में हम लोग रेनकोट या फिर गम बूट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे बॉडी पे पानी नहीं पहुंच पाता और हमारा बॉडी सूखा हुआ होता है, वो भीगता नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग अम्ब्रेलास का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू ओकेजन्स, ओकेजन यानी अवसर, है ना, किसी अवसर पे हम लोग क्लोथ्स को कौन से क्लोथ्स को इस्तेमाल करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक पार्टीज़, वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स, इन स्पेशल ओकेजन्स किसी स्पेशल ओकेजन पे, किसी स्पेशल अवसर पे जैसे पार्टी हो गई, वेडिंग्स हो गए या फिर फेस्टिवल्स में हम लोग अलग अलग और स्पेशल टाइप के ड्रेसेस पहनते हैं, फैंसी या फिर कलरफुल क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। सच क्लोथ्स आर कॉल्ड पार्टी वेयर, उन क्लोथ्स को हम लोग पार्टी वेयर बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक लहंगा है, और भी बहुत सारे पार्टी वेयर ड्रेसेस आप लोग यूज़ करते हो। क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, अब ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा के अकॉर्डिंग क्लोथ्स।
Some people wear special clothes that tell us what work they do. Such clothes are called uniforms. कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ही हम समझ जाते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, है ना? Children वैसे क्लोथ्स को यूनिफॉर्म्स बोलते हैं. चिल्ड्रन ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म वेन दे गो टू स्कूल. यहाँ तक कि बच्चों का भी ड्रेस होता है ना, बच्चों का भी यूनिफॉर्म होता है जब वो स्कूल जाते हैं तो. ओके, यहाँ पे कुछ वैसे एग्जांपल्स हैं जिनके ड्रेसेस देख के हम समझ जाते हैं कि वो क्या काम करते हैं. जैसे लॉयर के अलग कॉस्ट्यूम यूनिफॉर्म, नर्स का अलग यूनिफॉर्म, वॉचमैन का यूनिफॉर्म, स्टूडेंट, सोल्जर, शेफ, पुलिसमैन, है ना, सबका यूनिफॉर्म अलग अलग होता है. उनके यूनिफॉर्म को देखकर हम समझ जाते हैं कि वो क्या करते हैं. क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू कल्चर या फिर ट्रेडिशन, यानी कि कल्चर या ट्रेडिशन के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से क्लोथ्स. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वियर डिफरेंट क्लोथ्स, दीज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथ्स. हमारे कंट्री में अलग अलग ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना क्लोथ्स होता है, ट्रेडिशनल पारंपरिक क्लोथ्स होते हैं. जैसे कश्मीर के लोगों का ये क्लोथ्स है, बंगाल, महाराष्ट्र, है ना, उसी तरह से सारे लगभग सारे अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग क्लोथ्स होते हैं. कुछ कंट्रीज़ के भी क्लोथ चेंज होते हैं. जैसे इंडिया का हमारा जो ट्रेडिशनल क्लोथ है वो है साड़ी, कुर्ता पैजामा, है ना, उसी तरह से जापान, जर्मनी, सबका अपना अलग अलग ट्रेडिशनल क्लोथ होता है जो उनके देश को या उनके जगह को दिखाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी कि पर्पस के हिसाब से क्लोथ्स. समटाइम्स पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर अ स्पेशल पर्पस. कभी कभी लोग स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल तरह के कपड़े पहनते हैं. सच एज फॉर स्विमिंग, फॉर अ डांस और प्ले, सच क्लोथ्स आर नोन एज कॉस्ट्यूम्स. डांस के लिए, स्विमिंग के लिए, है ना, सबके लिए अलग अलग तरह के ड्रेस. जैसे अब स्विमिंग वाले ड्रेस पहन के हम डांस नहीं कर सकते, और डांस वाले या फिर नॉर्मल जो कपड़े हम लोग यूज़ करते हैं उसे पहन कर हम लोग स्विमिंग नहीं कर सकते. सबका एक अपना अपना अलग तरह का ड्रेस होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आज आपको यहीं तक बताया जा रहा है. इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू फर्दर. ओके, थैंक यू.